आपने रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना है, आपने विवेकानंद के बारे में सुना है। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उनके जीवन काल में ही लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे, पर वे खाने को लेकर पागल थे। वे लोगों से बात कर रहे होते और वे कहते जरा ठहरो। वे अंदर जाते और अपनी पत्नी से पूछते, आज खाने में क्या है। उनकी पत्नी शारदा को इससे बहुत शर्मिंदगी होती। वे कहती, आपकी दिक्कत क्या है। वे बोले, जिस दिन तुम मेरे लिए थाली लाओ तो मेरे लिए भोजन लाओ, और अगर मैं खाने में कोई रुचि ना दिखाऊं तो समझ जाना कि बस 3 दिन बचे हैं। 7 साल बाद एक दिन वे थाली लाएं और उन्होंने मुंह फेर लिया। वे रोने लगी। 3 दिन बाद वे चले गए। तो वे सचेतन रूप से भोजन की इच्छा पैदा कर रहे थे शरीर में बने रहने के लिए। अगर वे भोजन की इच्छा नहीं करते तो वे चले जाते। तो वे हर रोज खुद को बताते, खाना 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 खाना।